फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि एटम, आज का जो एटम है वो है सेंटर में न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन शुरू से ऐसे नहीं था। थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने उस टाइम की केमिस्ट्री की सारी जो है वो रचना ही बदल डाली, यानी कि ही चेंज्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स अर्लियर। ओके, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने अपना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और थॉमसन को सिरे से नकार दिया। कि थॉमसन बोल रहा था कि पूरा जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज का है, लेकिन रदरफोर्ड ने बोला कि पूरा एटम जो पॉजिटिव चार्ज का नहीं है। उसने क्या बोला रदरफोर्ड ने, वो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई क्लास, आई एम योर टीचर सुनील अरोड़ा। आज हम करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसकी ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट्स एंड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो करते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक मेटल प्लेट ली, ठीक है जी। वो मेटल प्लेट कौन सी थी, आज हम जानते हैं कि वो गोल्ड प्लेट, हमने छोटी क्लास में पढ़ा कि गोल्ड फॉयल थी, लेकिन कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट हो सकता है जो जल्दी आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या किया, ही बम्बार्डेड द गोल्ड फॉयल विद अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। यानी कि इसके लिए क्या चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स का कोई सोर्स चाहिए। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स हैविंग प्लस टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। इसको हीलियम आयन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हीलियम जितना इसका मास है और हीलियम आयन के जितना इसके ऊपर चार्ज है। तो क्या था, उसने इस फॉयल के राउंड एक फोटोग्राफिक प्लेट भी लगाई। फोटोग्राफिक प्लेट यानी कि स्क्रीन भी बोलते हैं इसको, और फोटोग्राफिक प्लेट भी बोलते हैं, और ये किसकी बनी है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन भी बोलते हैं इसको। होता क्या है, ये प्रोसेस शो करती है फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस क्या है कि जब भी इसके ऊपर कोई भी लाइट स्ट्राइक करती है या पार्टिकल स्ट्राइक करता है, जैसे इसमें कौन सा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, अल्फा पार्टिकल, तो जब ये स्ट्राइक करता है तो यहाँ पे ग्लो आती है, तो पता चलता है कि यहाँ पे कोई पार्टिकल टकरा रहा है, ठीक है जी। तो क्या हुआ, इसको पार्टिकल्स, तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक्स द गोल्ड फॉयल एंड मैक्सिमम ऑफ पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, यानी कि ज़्यादा पार्टिकल जो थे वो सीधा ही निकल गए, और कुछ थोड़े थे जो बेंड किए, कुछ बहुत थोड़े थे जो काफ़ी सारा बेंड किए, और बहुत ही कम ऐसे थे जो उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। समझे कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई उसकी, कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स यानी कौन से अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, ठीक है जी। कितने, अबाउट 99%, यानी कि सारे ही, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि सम गॉट डिफ्लेक्शन थ्रू सम एंगल्स, यानी कि कुछ कम एंगल था, कुछ ज़्यादा एंगल था। तो थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि ए वेरी फ्यू वेंट बैक इन सेम डायरेक्शन इवन एट 180 डिग्री, यानी कि जिस रास्ते गए उसी रास्ते पे वापस भी आ गए। तो ऑब्जर्वेशन के बाद आता है रिजल्ट। रिजल्ट में क्या बोला, उसने बोला कि जितने ज़्यादा निकल चुके हैं ना, मतलब कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉयल, सो देयर इज लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, यानी कि 99% ऑफ द एटम इज एम्प्टी। फिर उसने बोला कि सम ऑफ द पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्शन, कि थोड़े बहुत अपने रास्ते से मुड़ गए। तो क्यों मुड़े, क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल्स के पास क्या चार्ज है, पॉजिटिव, तो आगे पॉजिटिव आएगा तभी मुड़ेंगे ना। तो इट मीन्स कि सम ऑफ द पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्शन थ्रू सर्टन सम एंगल्स, शॉर्ट एंगल्स, लार्ज एंगल्स, सर्टन एंगल्स, ओके। Some of the particles got deflections through certain angles and it is due to the presence of heavily charged body in their way. Next point जो उसकी observation का था कि a very few got deflection to a large extent even at 180 degree and they retraces their path. They got deflection in the same side. He concluded from this point is कि there is a very large positive charge, meaning thereby all of the positive charges confined to one place. And he named the term nucleus for that.
तो रदरफोर्ड मॉडल एटम क्या हो जाएगा अब, यानी कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल एटम क्या दिया, उसने बोला कि एटम इज स्फेरिकल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये पॉइंट्स थॉमसन ने भी बोला और चलता आ रहा था, डॉल्टन से ही चलता आ रहा था, लेकिन उसने अगले जो पॉइंट है वो उसके अपने हैं कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर इन द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड इज प्रेजेंट एट द सेंटर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन्स और द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस दैट इज इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी न्यूक्लियस के बाहर हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द मास ऑफ द एटम इज ड्यू टू प्रोटोन्स एंड सम न्यूट्रल पार्टिकल्स, मीन्स कि ही कंक्लूडेड द मास ऑफ द एटम इज ड्यू टू द मास ऑफ न्यूक्लियस मेनली। इलेक्ट्रॉन्स हैव वेरी लिटल मास, प्रोटोन्स हैव लार्जर मास देन इलेक्ट्रॉन्स। ही कंक्लूडेड कि द मास ऑफ एटम इज एंटायरली ड्यू टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। बट यहाँ पे बट क्यों लगा कि द मास ऑफ द एटम इज वे मोर देन द मास ऑफ द टोटल प्रोटोन्स। देयरफॉर ही कंक्लूडेड कि देर आर सम पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस विच आर न्यूट्रल, दैट इज दे डोंट हैव एनी चार्ज बट हैज मास इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटोन्स। एंड लेटर ऑन इन लेटर स्टडीज द चैडविक नेम साइंटिस्ट इन 1932 कॉइंड द टर्म फॉर दैट न्यूट्रल पार्टिकल्स एज न्यूट्रॉन्स, न्यू फॉर न्यूट्रल ट्रॉन्स मैंने पार्टिकल्स। इट मीन्स कि द न्यूक्लियस टर्म इज कॉइंड बाय रदरफोर्ड एंड द न्यूट्रॉन्स टर्म इज कॉइंड बाय चैडविक इन 1932। नेक्स्ट पॉइंट इज फिर उसने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बोला कि प्रोटॉन्स तो चलो स्टेशनरी हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स भी स्टेशनरी है, वो न्यूक्लियस के अंदर हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो स्टेशनरी नहीं है। यानी नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, दे आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। बट ही डिडंट टर्म्ड एनी के एल एम एन और 1, 2, 3 एनर्जी लेवल्स, नो एनर्जी लेवल्स दे आर गिवन लेटर ऑन इन द लेटर स्टडीज, बट इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड इज मॉडल एटम ही टोल्ड ओनली वन पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सो ही कॉल्ड देम प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स, यानी ग्रहों की तरह के इलेक्ट्रॉन्स दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। दिस सम अप द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ओके तो मतलब कि अब आगे क्या है, इसके साथ ही एक और पॉइंट है, कमेंट सेक्शन में बच्चों ने बोला था कि सर एटॉमिक नंबर और मास नंबर का भी हमें एक वीडियो बना के भेजिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री विद दिस टॉपिक, यानी कि हम इसी के साथ ही करने जा रहे हैं। बहुत आसान है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये हम इसी क्लास में देखेंगे, ठीक है जी। इसको एंड तक देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, लास्ट में आपको कई चीज़ें और भी देखने को मिलेंगी। और अगर आपको आप में से किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली मेरे को मेल कर सकता है, क्वेश्चन की कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, जैसे भी आप मेरे को कांटेक्ट करना चाहें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यू आर फ्री टू कांटेक्ट मी फॉर योर क्वेरीज एंड आई डेफिनेटली आंसर देम इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके चलिए, तो अब जो अगला टॉपिक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जो था एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर वो हम करेंगे, ठीक है। ओके चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है जी। ये आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा एटॉमिक नंबर, एंड मास नंबर, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि हमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स की वैल्यू तो जाननी होती है, कई न्यूमेरिकल में हमें पता होना चाहिए, अभी कई स्टेटमेंट्स में भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसका मास नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसके प्रोटॉन्स कितने हैं, वो सब कैसे पता चलेंगे, इसी में से पता चलेंगे कैसे। एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं एग्जाम्पल मान लो सोडियम की, Na मीन्स सोडियम। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो एक एलिमेंट के साथ दो नंबर्स एसोसिएटेड होते हैं, एक उसके पैरों में लिखा होता है, एक उसके सिर पे लिखा होता है। तो जो पैरों में ना उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और जो सिर पे है उसको हम बोलते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास।
अब आप बोलोगे कि उसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा, मास नंबर को हम राउंड अबाउट कर देते हैं, बस इतना सा मेन डिफरेंस है इस टॉपिक के लिए, ठीक है। और अगर आपको एटॉमिक मास, मोल कॉन्सेप्ट ये सब देखना है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। हमने मोल कॉन्सेप्ट, उसके न्यूमेरिकल्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसके सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो किए हुए हैं, आप इसी में सर्च करके, इसी चैनल में सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं जेड से, और मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से। अब इसका फ़ायदा क्या है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए। प्रोटॉन्स कितने होते हैं किसी में, जितना उसका एटॉमिक नंबर है, मींस यहाँ पे सोडियम के कितने हो जाएंगे 11, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, जितना एटॉमिक नंबर है जितने प्रोटॉन्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि अगर न्यूट्रल एटम है, आयन नहीं है, एटम है, तो क्या हो जाएगा, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी एटम न्यूट्रल हो जाएगा। अगर एटम न्यूट्रल नहीं है, जैसे ये लिखा होता है कि Na1 पॉजिटिव, ये है आयन, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, कन्फ्यूजन नहीं करनी है, सबसे पहले हम एटम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो प्रोटॉन्स कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर है, और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि इन दिस केस 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12, यानी कि सोडियम में न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 12। इट मीन्स कि न्यूट्रॉन्स क्या है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो फिर यहाँ से डेफिनेशन क्या निकलेगी हमारी, कि एटॉमिक नंबर इज ए नंबर विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मास नंबर क्या है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटॉमिक नंबर ये तीनों सेम होते हैं, किसके लिए, एटम के लिए, आयन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आयन की बात अभी करेंगे, ठीक है जी। ये क्लियर है कि इसमें क्या हमने किया कि एटॉमिक नंबर क्या है, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मास नंबर क्या है, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे फिर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, जैसे यहाँ पे 23 माइनस 11 किया। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेते हैं, जैसे हम करते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल है Cl, यहाँ पे 17 लिखा होगा, यहाँ पे 35 लिखा होगा, इट मींस कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17 और मास नंबर कितना आ जाता है 35। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे 17, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 17 और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 35 माइनस 17, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। क्लियर, यही तो रदरफोर्ड ने बोला था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको, कि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन क्या इनकी जो संख्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स, सभी में सेम नहीं होंगे, क्यों, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स एटॉमिक नंबर। क्लियर, कि एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही प्रोटॉन्स और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ठीक है, अब करते हैं आयन के बारे में बात। आयन, आयन दो तरह की होती है, एक होती है कैटायन और एक होती है एनायन। नेचुरल सी बात है, अगर कोई चीज़ लूज करेगा तो एक टाइप हो जाएगा, अगर गेन करेगा तो दूसरी टाइप हो जाएगा, दो तीसरी तो हो ही नहीं सकती। अगर एक बॉडी है वो कुछ लूज कर रही है तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, अगर वो कुछ गेन कर रही है तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, तो दो स्टेट्स हो सकती है, तीसरी तो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ दे देगा या ले लेगा। इट मीन्स कि अगर कोई एटम, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लूज नहीं होते, बिकॉज दे आर बाउंड इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जो लास्ट होता है वो लूजली बाउंड होता है, वो लूज भी हो सकता है, एटम गेन भी कर सकता है किसी को, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड कंडीशंस एंड द कंबाइनिंग एटम्स, बट इट डजेंट मैटर हेयर, हेयर मैटर्स ओनली कि एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो नेचुरली पॉजिटिव आयन बनेगी, ठीक है। उस पॉजिटिव आयन को हम क्या बोल देंगे, कैटायन, ठीक है। और अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन, विच इज़ कॉल्ड एज एनायन। बस जैसे सोडियम है, क्यों लूज़ करते हैं, क्यों गेन करते हैं, ये हम अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि वो एक लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो अगले टॉपिक्स आएंगे धीरे धीरे, इसमें वो काउंट नहीं कर रहे हूँ। अगर Na1 पॉजिटिव लिखा हुआ है, अच्छा जी, अब अगर किसी पे चार्ज लिखा जाता है तो उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर वो चेंज नहीं होते, वो सेम ही रहेंगे, चेंज क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब इसमें देखते हैं प्रोटॉन्स कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर है यानी कि 11,
इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर था होने चाहिए थे लेकिन नहीं है, क्यों? क्योंकि वन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उसने वन इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, माइनस किया है, ठीक है जी। इसका मतलब इसमें से वन माइनस कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 10। यानी पॉजिटिव आयन जो है कैटाइन, वो कैसे बनती है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जितना एटम, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस पर आएगा, और कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि एटम और आयन में डिफरेंस किस चीज़ में आएगा, ओनली इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेम रहेंगे, जैसे इस केस में न्यूट्रॉन्स तो वही रहेंगे, यानी कि 23 माइनस 11 यानी कि 12, ये तो सेम ही रहेंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं एक दो, जल्दी जल्दी फटाफट जाते जाते। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, यानी Z इज इक्वल टू 8, A इज इक्वल टू 16। प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे, जितना Z है यानी 8। इलेक्ट्रॉन्स उतने होने चाहिए जितना Z है, लेकिन यहाँ पे 2 नेगेटिव है, इट मींस यहाँ पे 2 जुड़ जाएंगे यानी 10 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन्स उतने ही रहेंगे, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, बस क्लियर। यही कॉन्सेप्ट है बस एटॉमिक नंबर और मास नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ओके। अगर किसी ने कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो जाते जाते एक ही बात कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया और जिस चीज़ के लिए आप इस चैनल पे आएँ, अगर वो आपने पा ली है, यानी कि जो नॉलेज आप चाहते थे वो इस चैनल पे आपको मिल गई है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। अगर लाइक करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। और क्वेश्चन जो है वो, जो भी आपका क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड ड्रॉप ए कमेंट ऑफ एनी क्वेश्चन और अप्रिसिएशन, इट विल मेक अस फील गुड। ओके, थैंक यू।